नमस्कार, BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में दबंगों की हौसले इस कदर बुलंद दिखाई दिए कि पुलिस की मौजूदगी में भी दबंग जहां मारपीट कर रहे थे, तो वहीं दबंगों ने एक दूसरे पर पथराव भी कर दिया। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के सिटी कोतवाली क्षेत्र के मीनाक्षी रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान एवं दुकान के सामने से ज्वेलरी बॉक्स बनाने वाले दुकानदार से मारपीट हो गई और मारपीट के दौरान जब सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई तो दबंग एक दूसरे से पुलिस की मौजूदगी में भी मारपीट करते रहे। मारपीट के दौरान दबंगों में एक दूसरे पर जमकर पथराव भी हुआ और पथराव के दौरान जहां मौके पर खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, तो वहीं सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि दबंग एक पक्ष की तरफ से कुछ लोग बाहर से बुलाए गए थे जिनके पास अवैध असले होने के चलते फायरिंग भी की गई। पुलिस की मौजूदगी में मारपीट होने की सूचना मिलते ही आसपास के थानों का भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया तथा जांच में जुट गया। इस दौरान एक आरोपी पक्ष का आरोप है कि उसके द्वारा दूसरे पक्ष की युवक द्वारा कुछ समय पूर्व रात्रि में दुकान में जब किसी लड़की को लाया गया तो उसके द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी, जिसको लेकर दबंग दूसरे संप्रदाय का होने के चलते उसको जान से मारने पर उतारू है और इसी को लेकर आज मारपीट की घटना हुई है। मीनाक्षी रोड पर आमने सामने दो पक्षों की दुकानें हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की, एक ज्वेलरी का बॉक्स बनाता है। इनमें किन्हीं कारणों से आज आपस में विवाद हुआ, विवाद के बाद मारपीट हो गई है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर 8 लोगों को वहां से लाई है, हिरासत में है वो, उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्र का कहना है कि दो पक्षों की मारपीट के बाद सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों की मारपीट के संबंध में 8 लोगों को गिरफ्तार ले लिया गया है तथा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। BCN न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। मथुरा में कृषि कानून बिल के विरोध में राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने अपने हिसाब विरोध प्रदर्शन और किसानों की महापंचायत की जा रही है, तो वहीं मंगलवार को मथुरा के सौक रोड पर स्थित पालीखेड़ा में कांग्रेस पार्टी द्वारा किसानों की महापंचायत बुलाई गई, जिसमें मंच से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जमकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा और वही एक नया नारा दिया, खेत बोए वही खेत का मालिक। उसके बाद प्रियंका गांधी के पहुंचने पर किसानों ने फसल देकर किया स्वागत सम्मान। उसके बाद प्रियंका गांधी ने मंच से सभी किसानों और ब्रजवासियों को राधे राधे बोला। उसके बाद अपने भाषण में कहा कि किसी प्रधानमंत्री ने हवाई जहाज नहीं खरीदा है, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिए 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदे हैं, लेकिन किसानों का 15,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ नहीं किया है। वही गौशाला और गौवांशों की दुर्दशा पर मथुरा के राधाकुंड नगर पंचायत की गौशाला का जिक्र किया और वही अपने भाषण में ये भी कहा गया कि कहीं यह भाजपा सरकार गोवर्धन के गिरिराज पर्वत को न बेच दे। वही अपने भाषण में कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो यह कृषि बिलों के तीनों कानूनों को हटा देगी। वही भाजपा सरकार जनता के उद्योगों को बेच रही है। वही प्रियंका गांधी ने मन से महापंचायत में आए किसानों से कहा कि किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा जाए। वही महापंचायत में आए 7,000 करीब किसानों ने 2 मिनट का मौन रखा। BCN न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जिला फिरोजाबाद भालामार किसान की हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। SP ग्रामीण राजेश कुमार ने किया पुलिस लाइन में खुलासा। नसीरपुर पुलिस की सफलता, हत्या में प्रयुक्त भाला भी बरामद। फिरोजाबाद पुलिस लाइन सभागार में SSP अजय कुमार के निर्देशन में हुई प्रेस वार्ता के दौरान SP ग्रामीण राजेश कुमार ने वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि 21 फरवरी 2021 को थाना नसीरपुर क्षेत्र ग्राम हरगनपुर में हुई सनसनीखेज हत्या, जिसमें भाला मारकर किसान की हत्या कर दी गई थी। मुखबिर की सूचना पर नामजद अभियुक्त कमलेश पुत्र बेनीराम निवासी हरगनपुर थाना नसीरपुर को दतावली पुलिया के पास से प्रभारी निरीक्षक नसीरपुर प्रवीण कुमार सिंह ने कटी टीम संग गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आलातकल बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त कमलेश को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है। थाना नसीरपुर क्षेत्र हरगनपुर में खेत पर भाला मार राम प्रवेश पुत्र पातिराम को गंभीर घायल कर दिया था। बाद में उक्त व्यक्ति ने दम तोड़ दिया था। उक्त नामजद अभियुक्त उसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। क्या पूरा मामला था और कैसे खुलासा हुआ? थाना नसीरपुर के हरगनपुर में अभी 21 तारीख को करीब 8 बजे रात में
एक हत्या हुई थी राम प्रवेश यादव नामक व्यक्ति का, जिसकी उम्र लगभग 45 साल रही होगी, और उसको इलाज के लिए सिकोहाबाद ले जाया गया CSC में, जहाँ पर उसकी डेथ हो गई थी। इसमें जब छानबीन की गई तो पता लगा कि इसकी हत्या कमलेश नामक व्यक्ति, जो इसका पड़ोसी है और बल्कि उसका चाचा लगता है, एक तरह से मृतक का चाचा लगता है, रिश्ते में पड़ोस में ही है, उसके द्वारा बल्लम मार के की गई थी। BCN न्यूज़ के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के ARTO कार्यालय प्रसार में BJP कार्यकर्ताओं ने पृष्ठ अफसरों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पोस्टर चिपका कर नारेबाजी की। पुलिस ने इस दौरान एक BJP कार्यकर्ता को अपनी हिरासत में लिया है। फिरोजाबाद के ARTO कार्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर हो रही राजनीति को लेकर एक बार फिर विभाग सुर्खियों में आ गया है। BJP कार्यकर्ता पिंकी चक ने अपने साथियों के साथ मिलकर ARTO कार्यालय परिसर में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पोस्टर चस्पा किया। प्रदर्शन के दौरान BJP कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। पोस्टर चस्पा की शिकायत पर थाना मरसेना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए BJP कार्यकर्ताओं को अपनी हिरासत में ले लिया है। पुलिस की कार्रवाई से BJP कार्यकर्ताओं में खलबली मची हुई है। भाजपा नेता का चिकित्सा परीक्षण सिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय में हुआ। फिरोजाबाद में भाजपा नेताओं की भीड़ होने की आशंका, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर अपनी सरकार में भाजपा नेता भेजे जेल। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। मथुरा गिरिराज तलहटी गोवर्धन में बुधवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आगमन को लेकर मथुरा जिला प्रशासन सतर्क। राज्यपाल की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए राजभवन की टीम ने सोमवार से गोवर्धन में डेरा डाल रखा था। राज्यपाल की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए राजभवन की टीम ने सोमवार को गोवर्धन में डेरा डाल रखा था, तो वहीं मंगलवार को ADG आगरा अपनी पत्नी के साथ गोवर्धन पहुंचे और दान घाटी मंदिर पर गिरिराज जी के दर्शन किए। वहीं ADG के आगमन से पुलिस प्रशासन हुआ सतर्क। वहीं ADG ने अपने अधीनस्थों को राज्यपाल की सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर SP देहात श्री चंद्र, CO गोवर्धन रविकांत पाराशर, CO छाता जितेंद्र कुमार, गोवर्धन SO प्रदीप कुमार और उनकी टीम मौजूद रही। BCN न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में मंगलवार की देर शाम इनकम टैक्स अधिकारी बनकर प्रॉपर्टी डीलर के घर में की लूटपाट। हथियारों के बल पर परिवार को कमरे में बंधक बनाकर दिया वारदात को अंजाम। बदमाश हजारों की नकदी और एक पिस्तौल को लेकर हुए फरार। मामला है थाना उत्तर के पौश इलाके कोटला चुंगी का, जहां बेखौफ बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर गोरेलाल यादव नामक व्यक्ति के घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी है। बताया जाता है कि बेखौफ बदमाश इनकम टैक्स अधिकारी बनकर मकान में दाखिल हुए थे। घुसते ही बदमाशों ने घर में रखे हथियार को अपने कब्जे में ले लिया और पूरे परिवार को एक कमरे में बंधक बनाकर जमकर लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। बदमाशों की संख्या 7 से 8 बताई जा रही है। बदमाश तो राइफल को बंद कमरे में खराब फ्रिज में रखकर फरार हो गए। घटना ये हुई थी कि मेरे पास फोन आया कि इनके भतीजे का कि इनकम टैक्स के लोग आ गए हैं घर पे, आपने फटाफट घर पे आ जाओ। मैं ठीक है, मैं 5 मिनट में पहुँचता हूँ। 5 मिनट में जैसे ही पहुँचा घटनास्थल पर पता चला जाके कि 8-9 लोग घर में आए। एक पुलिस की वर्दी में था, व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो थी। इनको ले जाके कमरे में उन्होंने बंद कर दिया। जो घटना के बाद इन्होंने बताया ना, तो वो इनको बंद कर दिया कमरे में। सारी फाइल वाइल दीवाल विवाल सब खंगाली। ऐसे एक इनकम टैक्स के अधिकारी होते हैं, तो इस कमरे में गई, इनकी पुत्रवधू रहती है। उस थोड़ी देर बाद इनका भतीजा आया, उन्होंने बताया कि मुझे भी वहाँ कैद कर। देर शाम हुई लूट की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका है। बदमाशों तक पहुंचने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी लगाया गया है। थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद का है, जहां पे हम लोग खड़े हैं। वहां से सूचना मिली थी पुलिस को कि गोरेलाल यादव के यहाँ 7-8 लोग एक व्हाइट स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे, इनकम टैक्स का ऑफिसर बन करके। यहाँ पे काफ़ी 15-20 मिनट तक जांच पड़ताल किया और लौटते समय इनके 2 राइफल, 1 रिवॉल्वर और 40,000 रुपया लेते गए हैं। इस सूचना पर तत्काल हमारी पुलिस टीम यहाँ पे मौके पे पहुँची। SPRA और मैं स्वयं भी यहाँ पे पहुँचा। फील्ड यूनिट इत्यादि ने सभी ने यहाँ पे छानबीन की, पूरा सर्च किया गया। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट।
बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।